फायदा इस ट्रेंडिंग होने का, ये बताओ? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? है रीजंस है, मतलब यार फायदा क्या है, ट्रेंडिंग में है ठीक है, फिजिक्स वाला चैनल है ठीक है, अभी किसी से फोन पे बात करता हूँ बोलता हूँ मैं अलक पांडे हूँ, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप उनके मैनेजर हैं, नहीं मैं अलक पांडे ही हूँ। आवाज तो कोई भी बना सकता है उनके जैसे, मतलब मुझे ये प्रूफ देना पड़ता है मैं अलक पांडे। और क्या बोलते हैं, अपनी फोटो खींच के भेजिए, बोलते हैं अपनी फोटो खींच के भेजिए, हाँ अपनी फोटो खींच के भेजिए तब मानेंगे अलक पांडे। और मैं भी पता नहीं क्या जिद में आ जाता हूँ, नहीं मनवाना है मैं ही हूँ, क्यों नहीं मान रहे हो, फोटो खींच के भी भेज देता हूँ, देखो यही अलक पांडे हूँ। सर की फोटो तो किसी के पास भी हो सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वीडियो करके भेजिए, अपने थम्स को डाउन करके एक फोटो भेजिए, मुंडी घुमा के फोटो खींच के भेजिए इसी समय, है ना, वीडियो में हलो हलो करके फोटो भेजिए, या वीडियो में जय श्री राम बोलते हुए फोटो भेजिए, है ना, वीडियो करके भेजिए, ऐसे कर देते हैं यार। तो फायदा क्या है जब कोई मानने को तैयार ही नहीं, मैं ही हूं, तो फायदा क्या है इन सब चीजों का? बहुत बार हुआ है ऐसा, एक बार नहीं बहुत बार हुआ है, ऑफिशियल नंबर फोन आएगा, मैंने उठा लिया, मान लो कभी कभी ऑन कर लेते हैं, हमने उठा लिया, अब हमने उठा के बोला हेलो हेलो आप अलक पांडे बोल रहे हैं? हाँ मैं अलक पांडे बोल रहा हूँ। आप सच में अलक पांडे सर बोल रहे हैं? हाँ बेटा मैं अलक पांडे ही बोल रहा हूँ। नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, तो फिर पूछा क्यों, तुमको मानना नहीं था तो? नहीं आप झूठ बोल रहे हैं सर, सर हमें कसम से विश्वास नहीं हो रहा सर, सर हम सर कॉलोनी के सब बच्चे सर सर आपसे पढ़ते हैं सर, ट्यूशन वाले टीचर को हम बोला है तुमको कुछ नहीं आता है, अलग सर से पढ़ लेंगे हम, है ना, ऐसे ही फोन आते हैं इंडिया के कोने कोने से। मैं कहता हूँ अच्छा अच्छा थैंक यू बेटा, नहीं आप मेरी उनसे बात कराइए, आवाज तो नहीं लग रही है अलग पांडे की, अरे मैं ही हूँ। अच्छा एक काम करिए, हमें व्हाट्सएप पे जरा फोटो भेजिए अभी अपनी, हाँ टिंडर खोल के बैठा हूँ मैं यहाँ पे, फोटो भेजू अपनी, वीडियो भेजू, कोई फायदा नहीं है ट्रेंडिंग वेंडिंग का, ना ट्रेंडिंग से पैसा देता है यूट्यूब, चलो पैसा ही मिल जाएगा वो भी फायदा नहीं है, ना ही ऐसा है कि बहुत सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं उस दिन, ऐसा भी कुछ नहीं, सब्सक्राइबर जैसे बढ़ रहे थे वैसे ही बढ़ रहे हैं, ना ऐसा है कि उस वीडियो पे व्यूज बहुत ज्यादा आ जाएंगे ट्रेंडिंग होने से, एजुकेशनल वीडियोस वैसे भी कोई नहीं देखता है, हमारी शक्ल देख के सोचते हैं अरे कौन देहाती आदमी है, पढ़ाएगा लिखाएगा छोड़ो इसको, कोई फायदा नहीं है। नंबर दिया, नंबर तो सबको बता हुआ है 9161112382, दुनिया जानती है नंबर, ना इस पर कोई कॉल लगेगा ना कुछ होगा, सिर्फ व्हाट्सएप सपोर्ट इस पर खुलता है, वो भी टाइम टू टाइम खुलता है, पूरे टाइम खोला नहीं जाता है, दुनिया जानती है 9161112382, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बता रहा हूँ कोई फायदा नहीं है ये ट्रेंडिंग वेंडिंग का किसी चीज का। दिल बहुत दुखी है यार, अपने आप को सबूत लड़ना पड़ता है यार, आधे घंटे लड़ना पड़ता है, सब साबित करना पड़ता है मैं अलग पांडे क्या भेजूं। एक काम करिए, अपने YouTube में लॉगिन करके वहां से कुछ दिखाइए तो मैं मानूं कि आप अलग पांडे। अरे मैं क्यों मनवाऊं, मैं अलग पांडे हूं, बट दिल नहीं मानता, लगता है यार इसको विश्वास दिला दो। तो ऐसा कई बार हुआ है, एक बार नहीं ऐसा कई बार हुआ है। एक बार मैं इलाहाबाद की एक कोचिंग है, उसका पर्यायवाची आसमान है, बहुत बड़ी कोचिंग है ऐसे किसी ने बताया था एक साल पहले यूट्यूब पे, ढूंढोगे तो पता चल जाएगा, एक बहुत बड़ी कोचिंग संस्था है बच्चों जिसका पर्यायवाची आसमान होता है। मैं एक बार वहां गया था, मतलब वहां नहीं गया था, उसी फ्लोर पे कुछ काम था जिस फ्लोर पे कोचिंग थी, और फिर वहां से मैं निकल रहा था, दो तीन बच्चे एकदम पीछे पीछे आ गए, अरे वही है वही है, अरे जाओ तुम बात करो वही है। नहीं यार उनके जैसे नहीं है ये, तो बहुत मोटे से लग रहे हैं, मेरे मुंह पे बोल के चले गए वो दो बच्चे और मुझसे आगे बात तक नहीं की, आपस में डिस्कशन की, नहीं ये तो बहुत मोटे लग रहे हैं वो तो नहीं है, और निकल गए सामने से। इतनी बेइज्जती, और मैं अकेला नहीं था, दोस्त थे साथ में, इतनी बेइज्जती बता नहीं सकते तुमको, और बहुत तरह तरह की बेइज्जती हुई है, ऐसा नहीं है, कोई फायदा नहीं स्टैंडिंग का। भाई हम गरीब आदमी बाइक पे चलते हैं, बाइक पे चल रहे थे तो बस स्टैंड के पास में हमने बाइक रोकी, किसी का फोन आया तो साइड में बाइक लगाई फोन उठाने के लिए, फोन उठाया हेलो हाय हुआ, थोड़ा सा हेलमेट ऊपर किया फोन उठाने के लिए, भाई हेलमेट ऐसे करके बात कर रहे थे, तब तक उधर से कुछ बच्चे खड़े थे, आसपास कोई कोचिंग रही होगी, वो सब भी बस स्टैंड पे खड़े थे, तो वो आते हैं, आपका यूट्यूब पे चैनल है फिजिक्स वाला, आप अरविंद सर हैं? अरे नहीं अरविंद सर नहीं, अलग सर पगले, मतलब सब सही बताया, आप अरविंद सर हैं? मैंने कहा नहीं। फोन पे भी मेरा एक दोस्त था सिद्धांश श्रीवास्तव, वो भी सुन रहा है, कह रहा बच्चे नाम नहीं जानते तुम्हारा। हमने कहा सर आप बाइक से चल रहे हैं? हमने कहा हाँ भैया गरीब है बाइक से ही चल रहे हैं। अरे सर आपके पास कार होगी, आप तो इंजॉयमेंट के लिए बाइक से चल रहे होंगे। जब कोई इंजॉयमेंट के लिए बाइक से चलता है ना तो BMW R15 ऐसी बाइक से चलता है, स्प्लेंडर प्लस से कोई इंजॉयमेंट के लिए नहीं चलता है, मजबूरी में चलता है साहब। मैं क्या बताऊं तुमको, ट्रेंडिंग में वीडियो है, बड़ी खुशी हो रही है सबको, इतने दिल में दर्द है ना। क्या ये पुरानी बात थी? हाँ दोस्तों अभी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक बटन पे दबा दें दोस्तों, लाइक।